इसके खिलाफ मेरा गुस्सा क्यों आया क्योंकि मैं लखनऊ में रहा लखनऊ में पला बढ़ा और बहुत ही कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली जैसा कि आप सब लोग मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग वैसी ही फैमिली से हैं लेकिन हम लोग इतने कंजर्वेटिव थे इतने कंजर्वेटिव थे कि हमारे जो स्कूल की कॉपी नोटबुक्स होती थी उस पर प्ले बॉय स्टिकर लगे हुए थे आपको तो पता है आप मुस्कुरा रहे हैं पहले ही लेकिन वो मेरे घर में वो मेरे हर कॉपी पे लगा था क्योंकि हम इतने कंजर्वेटिव थे कि हमको पता ही नहीं था कि ये प्ले बॉय होता क्या है वो क्यों लखनऊ में स्टेशनरी की दुकानों में वो बिक रहे थे स्टिकर मुझे नहीं पता लेकिन वो बिक रहे थे और मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग खरीद रहे थे उनको मतलब दर्जनों भर के हमारी हर स्कूल की कॉपी पे प्ले बॉय बनी लगा हुआ था हमारे फ्रिज पे लगा था अलमारी पे लगा था पापा के स्कूटर के आगे लगाया हुआ था हमने और पापा वो स्कूटर लेके दस साल तक ऑफिस गए हैं किसी को तो पता होगा ऑफिस में कि कौन मतलब ये क्या है पता नहीं क्या सोचा होगा क्या पापा के बारे में इसीलिए प्रमोशन नहीं हुई मेरे पापा की असल में मुझे ये लगता है कई साल नहीं हुई इनकी प्रमोशन उसके वो हमने वो क्योंकि हम इतने कंजर्वेटिव थे हमको नहीं पता था ये क्या है हम सोचते थे प्ले बॉय मतलब वो एक स्पोर्ट्स लविंग किड है और क्या एक बच्चा है खेलना चाहता है प्ले बॉय हो गया सिंपल हमने वो लगाया हुआ था तो इस तरह के कंजर्वेटिव माहौल में हम रहे फिर वो उसी समय लेट एटीज अर्ली नाइन्टीज की बात है जब हम लोग दूरदर्शन आता था और दूरदर्शन पे साढ़े की जो हिंदी समाचार होती थी उसके जस्ट पहले एक निरोध कॉन्डोम का एड आता था जो वो राज कपूर का पुराना गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल उस गाने पे वो वो कॉन्डोम का एड था जिसमें वो एक पति पत्नी हैं दूरदर्शन पे हैं तो मैं मान ही रहा हूँ कि वो पति पत्नी होंगे उस जमाने में वो कपल उन्होंने नहीं ढूंढा होगा उस एड के लिए एक्चुअल कपल होगा वो वो लोग बारिश में चल रहे हैं और ऊपर बारिश हो रही है वो लोग छाता लेके चल रहे हैं पीछे एकरार हुआ, हुआ वो कॉन्डोम का निरोध कॉन्डोम का एड चल रहा है और जैसे ही वो एड चलता था घर में इतना अनकम्फर्टेबल माहौल हो जाता था कि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों को उठ के किचन में जाना पड़ता था हर रोज की प्यास लगी है ऐसा माहौल बहुत सालों तक रहा मेरे घर में उसके दो नुकसान हुए जो मुझे अब पता चले बहुत सालों बाद पता चले एक कि अभी भी वो गाना सुनते हुए मुझे गिल्ट फीलिंग होती है इतनी होती है वो गाना बजता है कहीं और मुझे प्यास लग जाती है और दूसरा दूसरा ये कि इतने साल बीत गए और अभी भी मैं यहाँ हूँ मैं बम्बई में हूँ मेरा भाई जो है वो विदेश में है वो पढ़ रहा है पी कर चुका है पोस्ट डॉक कर चुका है अभी भी डेली बजे हम दोनों उठते हैं अपने अपने कमरों में और जाते हैं किचन की तरफ और डेली साढ़े आठ बजे हम लोग पानी पीते हैं एक गिलास वो नुकसान अभी तक चल रहा है मॉरल पुलिसिंग का जो एक माहौल होता है घरों में उतना ही नहीं मैं जब रहता था और जब अभी तो दो जनरेशन मा, माता पिता और हम दो भाई लेकिन कभी कभी हमारे नाना जी आए होते थे अब नाना जी आते थे तो एक तो पहले ये होता था कि वो पहले उठेंगे कि बच्चे पहले उठ के जाएंगे कई बार होता था वो हम किचन में गए हैं उतने में नाना जी भी आ गए अब वो अब नाना जी अब किचन में हम तीनों तो एक ही प्यास की वजह से आए हैं ना अब वहां अब वहां हम माँ बाप से नज़रें नहीं मिला सकते थे यहाँ नाना जी से नहीं मिला सकते एक पानी का फिल्टर है वहां तीन लोग कैसे खड़े हो तो हम इधर में जाके बर्तन कुछ ठीक करने लगता था मेरा छोटा भाई हाथ धोने लगता था या बाथरूम चला जाता था नाना जी वहां पानी पी लेते थे तो वो डेली होता था उनको भी प्यास लगती होगी मुझे पक्का मालूम है वो गाना सुन के और कई बार होता था कि अच्छा मम्मी पापा नहीं है और सिर्फ हम दोनों भाई बैठे हैं और नाना जी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे घर में चलते थे और हम दोनों बैठे हैं नाना जी हैं और वो ऐड चला नाना जी उठ के वो कोशिश करते थे कि चैनल बदल दें कोई और चैनल था ही नहीं उस जमाने में फिर भी वो बदलते थे एक चैनल वो बदलते थे वहाँ वो मच्छर आते थे जो दूरदर्शन के वो हर रोज वो दुआ करते होंगे भगवान से कि एक चैनल तो और दे दे कम से कम इस दो मिनट के लिए उन्होंने इतना बदला इतना बदला हिंदुस्तान में केबल रेवोल्यूशन आ गया उसकी वजह से वो उस तरह का माहौल हम आ, मैंने जिया है देखा है और ऐसे ही लेट एटीज अर्ली नाइनटीज का दौर था और हम लोग वीसीआर और ये सब लाते थे वीडियो कैसेट लाते थे किराए पर और रात भर वो फिल्में देखते थे चार पांच वीडियो कैसेट और कलर टीवी लाया गया है और अब वो लाते थे और उस सब में भी यही होता था कि जैसे ही वो वीडियो कैसेट चला और पापा वहाँ सबसे नज़दीक बैठ जाते थे वीडियो प्लेयर के कि जैसे ही कोई इंटीमेट सीन आएगा कोई आएगा कुछ ऐसा तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे अब उसका भी बहुत सालों बाद मुझे उसका असर पता चला जब शादी के बाद माय वाइफ केप टेलिंग मी कि यू आर गोइंग टू फास्ट तो मैं वो सारे वीडियो जो हैं वापस जाके मैं नॉर्मल स्पीड पे देख रहा हूँ यूट्यूब पे और ये आप लोगों के लिए बहुत फनी हो सकता है मेरे लिए फनी नहीं है ये मैं अभी भी नॉर्मल स्पीड पे नहीं पहुंच पाया हूं वो वीडियो सारे धीरे-धीरे अभी चल रहा है